इस देश को इतिहास की पुस्तकों में वर्णित किया गया है। ये एक ऐसा देश है जिसमें जटिलताएं पैदा हुई है और इसके निर्माण से कई कारकों से भी अधिक जटिल इसका इतिहास प्रभावित हुआ दिखता है। फिर भी ये हमारी आधुनिक दुनिया की आंखों में बिल्कुल नया सा है। नासा के अनुसार कोकिनो दुनिया का चौथा सबसे पुराना खगोलिक वेधशाला है। सबसे पुराना 3 अबू सिंबल मिस्र के साथ स्टोनहेंज ग्रेट ब्रिटेन और अंगटोर वाट कंबोडिया कोकिनो शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है और सर्बियाई सीमा से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। मैसिडोनिया गणराज्य यूरोप में एक लैंडलॉक देश है। ये कोसोवो, सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस और अल्बानिया की सीमा से घिरा हुआ है। उसने 8 सितंबर 1951 को यूगोस्लाविया से अपनी आजादी की घोषणा की। गुफा विलो एक विशाल पानी की गुफा है जो 77 मीटर की गहराई से है, जो इसे दुनिया की गहरी पानी के नीचे की गुफा और मैसेडोनिया में जाने के लिए एक दिलचस्प जगह बनाती है। यह दक्षिण पूर्व यूरोप में मध्य बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित एक देश है। मैसेडोनिया का कुल भूमि क्षेत्रफल 9,928 वर्ग मील यानी 25,713 वर्ग किलोमीटर है, जो कि ये वेल्स से थोड़ा बड़ा है। कोलकाता की मदर थेरेसा का जन्म स्कोपजे मैसेडोनिया में हुआ था। यद्यपि आपने कभी सोचा कि उनका जन्म स्कोपजे में हुआ था, वो साल 1910 में अपने जन्म के समय अल्बेनियाई थी। आज आप उनके राजधानी स्कोपजे के केंद्र में समर्पित संग्रहालय का घर देख सकते हैं। मैसेडोनिया ने 1998 में यूरोविजन संगीत प्रतियोगिता में अपना पहला प्रवेश किया था और ये अभी तक प्रतियोगिता नहीं जीत पाया है। सिकंदर महान मैसेडोनिया के पूर्व राज्य का राजा और यूरोप से एशिया तक फैले साम्राज्य के साथ पहले विश्व के नेताओं में से एक, हालांकि उनकी मृत्यु के तुरंत बाद साम्राज्य गिरने लग गए। मैसेडोनिया के विशाल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग उत्तर पश्चिमी तीसरा भाग है, जिसमें उत्तरी ग्रीस के पड़ोसी भाग और बुल्गारिया में एक छोटा हिस्सा शामिल है। मैसेडोनिया की जनसंख्या 2015 में 2.1 मिलियन थी, जो वेल्स से लगभग दो तिहाई आबादी है। इस देश की एक और दिलचस्प विशेषता यह है कि दुनिया में किसी भी अन्य देश की तुलना में पहाड़ों और पर्वत चोटियों की संख्या अधिक है। देश में 34 पहाड़ी शिखर है, प्रत्येक समुद्र स्तर से 2000 मीटर की ऊंचाई से अधिक है। मैसेडोनिया में टेलीविजन साल 1964 में तब शुरू हुई जब टेलीविजन स्कोपजे की शुरुआत हुई। इसे अब मैसेडोनिया टेलीविजन या मैकडोन्स का टेलीविजन के नाम से जाना जाता है। ये मैसेडोनिया के 3 टेलीविजन चैनल संचालित करता है और एक उपग्रह चैनल जो अन्य देशों को प्रसारित करता है। साल 2006 में हाईटेक परियोजना का हिस्सा बनने के बाद ये एक वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए पूरी दुनिया का पहला देश बन गया। द ओल्ड बाजार व्यापार और व्यापारियों के लिए 12वीं शताब्दी के रूप में एक केंद्र रहा है और आजकल ये शहर के लिए एक प्रतिष्ठित विरासत स्थल का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ के निवासियों को मैसेडोनियन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और साथ ही कुछ ऐसे ही वीडियो पाने के लिए टॉप 10 लिस्ट इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।